अहंकार से कैसे बचे। हर व्यक्ति के जीवन में अहंकार भरा हुआ है। थोड़ा सा ज्ञान होने पर मानव को क्या आ जाता है? अहंकार आ जाता है। थोड़े से धन होने पर उसको अहंकार आ जाता है। अहंकार करने से जीवन का क्या होता है? पतन होता है। तो इसलिए भगवान ने सूत्र में कहा, जो अहंकार करता है वह आगे नहीं बढ़ सकता है। आगे बढ़ना है तो जीवन के अंदर क्या करना होगा? विनय करना होगा। विनय करते करते भी ज्ञान की क्या होती है? प्राप्ति होती है। एक दिन की बात है, एक दिन रामकृष्ण परमहंस एक संत के साथ बैठे हुए थे। शाम हो गई, संत को क्या लगने लग गई? ठंड लगने लग गई, कांप रहे थे। परमहंस को विचार आया कि संत को क्या लग रही है? ठंड लग रही है। जंगल के अंदर गए और कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके लेकर आए। लकड़ियां को लेकर आने के बाद उस लकड़ियां को क्या कर दी? धूनी को जला दी कि संत को क्या हो जाए, थोड़े ठंडक से क्या कर सके, बच सके। दोनों आध्यात्मिक धर्म के ऊपर चर्चा कर रहे थे। वहीं पर एक गरीब व्यक्ति भी बैठा हुआ था। वह भी, उसको भी क्या लग रही थी? ठंड लग रही थी। उसने भी क्या कर ली? लकड़ियों को इकट्ठा कर ली। उसने सोचा, मेरे को जलाने के लिए क्या नहीं है? मेरे पास क्या नहीं? अग्नि नहीं है। दूर से देखा कि यहाँ पर क्या जल रही है? संत, जो दो संत बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनकी थोड़ी सी, उसके क्या लेकर आ जाऊंगा मैं? अग्नि को लेकर आ जाऊंगा तो मेरे को भी ठंड से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाऊंगा। वह दोनों संत के पास पहुंचा। दोनों क्या कर रहे थे? वार्तालाप कर रहे थे, धर्म के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उस व्यक्ति ने उस अग्नि से एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आ गया। ले जैसे ही लेकर आने लगा तो संत ने देखा कि यह मेरा लकड़ी का टुकड़ा लेकर जा रहा है। उस पर संत क्या हो गए? संत को क्या आ गया? क्रोध आ गया। उसको मारने लग गए। इतने में परम हंस दूर से क्या कर रहे थे? दोनों को देख रहे थे। देखते ही वह परम हंस हंस पड़े और संत से कहा, उस व्यक्ति से कहा तूने मेरे लकड़ी को क्या कर दिया? अपवित्र कर दिया। तू भगवान का ध्यान नहीं करता है, ना तू कुछ धर्म करता है, अब मेरी साधना क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। इतने में जब परमहंस देखने लग गए तो उससे कहा, तो मैं तो उसके ऊपर क्या कर रहा हूँ? क्रोध कर रहा हूँ। आप तो क्या कर रहे हो? हंस रहे हो। क्यों मैंने क्रोध किया? ठीक नहीं है। परमहंस ने सुंदर जवाब दिया कि मैं देख रहा हूँ, आप थोड़े पहले क्या कर रहे थे? बोल रहे थे कि इंसान के अंदर भी परमात्मा का क्या है? वास है, ईश्वर है, परमात्मा है। आप उस व्यक्ति के ऊपर क्या कर रहे हो? क्रोध कर रहे हो। आपके अंदर भी, या आपकी गलती नहीं है, आपके अंदर कौन बैठा हुआ है? क्रोध रूपी शत्रु बैठा हुआ है। तो आ और चरण, अब ये चरण क्या है? अभी आपने दो तीन दिन पहले जब इचलकरंजी वाले जो है युवा आनंद युवा मंडल आए थे, तो हमारे जो है मधुर व्याख्यानी उपरतक पूज्य श्री गौतम मुनि महाराज साहब द्वारा आपने इन चरणों का महत्व जाना था। उन्होंने उस दिन जो है पूरा व्याख्यान किस पे दिया? पैरों पे, चरणों पर ही दिया। तो बंधु, ये चरण क्या है? ये चरण जो है, जो सेवा में लगते हैं वही चरण क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। तो बंधु, ये चरण जो है, आप देखिए कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, है ना? हमने जो है, आप देखिए कि 2009 में क्या है, दीक्षा ली, और आज क्या हो गया, 2022, 13 चातुर्मास हो गए, लेकिन इन चरणों के भरोसे हम कहाँ का जाके आ गए? राजस्थान घूम लिया, मध्य प्रदेश में जाके आ गए, महाराष्ट्र में जाके आ गए, गुजरात में भी गए, और क्या है, साउथ के क्या है, चार जो है मुख्य शहरों में हमने चातुर्मास भी किए। ये किन के भरोसे?
इन चरणों के भरोसे। और इसीलिए जो है आप लोग जो है जब भी गुरु भगवंत जो है उनके किसका स्पर्श करते हैं, चरणों का स्पर्श करते हैं। तो मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा कि जो माल भरा है, जो गुरु भगवंतों के पास जो ज्ञान का भंडार है, वो चरणों में है कि इस जो है कंप्यूटर में है, इस खोपड़ी रूपी कंप्यूटर में है ना? फिर इस सिर को हाथ नहीं लगता है और चरण को क्यों हाथ लगाते हैं, है ना? सिर को हाथ नहीं लगाते लेकिन चरण को हाथ क्यों लगाते हैं? बंधो बात ऐसी है कि ये चरण नहीं होते तो ये सिर भी यहां नहीं आता, ये चरण नहीं होते तो ये सिर भी यहां नहीं आता। तो इस सिर को, इस कंप्यूटर को लाने वाला कौन है? ये हमारे चरण है जो सेवा करते हैं, इसलिए हम किसको करते हैं? चरण को स्पर्श करते हैं। तो बंधु कहने का मतलब है कि जिस तरह जो है हमारी ये चरण जो है हमें क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। हुआ आत्मा का जिसको उसने बंधन तोड़ दिया, ज्ञान हुआ आत्मा का जिसको उसने बंधन तोड़ दिया, प्रेम हुआ प्रभुवर से जिसका उसने सब कुछ छोड़ दिया, ज्ञान हुआ आत्मा का जिसको उसने बंधन तोड़ दिया, आत्मज्ञान बिन 84 में मानव दर दर भटक रहा, क्षमाशील संतोष बिना नर भव अटवी में अटक रहा, चुभते वचन का तीखा कांटा सबके दिल में खटक रहा, इस धरती पर महापुरुष जो जिसने जग को मोड़ दिया, ज्ञान हुआ आत्मा का जिसको उसने बंधन तोड़ दिया, ज्ञान हुआ आत्मा का जिसको उसने बंधन तोड़ दिया। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, त्रैलोक्य प्रकाशक, जन जन के आस्था केंद्र, चरम तीर्थे शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सह वंदना अर्ज करने के पश्चात गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, जीवन को महान बनाने के लिए परमात्मा ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की चर्चा की है। इस ज्ञानादि चतुष्टय के द्वारा हम अपने जीवन का हर दृष्टि से, हर क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। इन चारों मार्गों पर चल करके हम अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं और इस ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप के द्वारा जब अहोभाव के द्वारा इनका जीवन में समाचरण किया जाता है तो आत्मा महालाभ और महानिर्जरा को प्राप्त करती है। जीवन में महान लाभ और महान निर्जरा यदि करनी है तो हमें ज्ञान के आलोक में आगे बढ़ना होगा और वो ज्ञान हमें गुरुओं के चरणों में मिलता है,
परमात्मा के चरणों में मिलता है, उनके चरणों में बैठकर हम ज्ञान का प्रकाश हासिल करेंगे। आत्मा का अद्भुत सुख इन चतुष्टय के द्वारा मिलता है और उसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। संसार का प्राणी दिन और रात जिस बात के लिए दौड़ दौड़ कर रहा है, परंतु ज्ञानी कहते हैं उस भौतिक क्षेत्र में व्यक्ति चाहे कितना ही आगे बढ़ जाए, कितना ही ऊंचा चढ़ जाए, लेकिन आखिर एक दिन उसका वापिस वहां से गिरना ही गिरना है। 12 भावनाओं में एक भावना के अंदर ये बात दर्शाते हुए कहा है, चढ़ उतंग जहां से पतन, शिखर नहीं वो कूप, जिस सुख अंदर दुख बसे वो सुख भी दुख रूप। ज्ञानी कहते हैं ऐसे भौतिक सुखों के लिए हमने बहुत दौड़ लगाई है, बहुत दौड़ लगाई है, फिर भी अभी तक हमारा पेट नहीं भरा। बोलो, किसी का पेट भरा हो तो बताओ। सवेरे भरा तो शाम को खाली, और शाम को भरा तो सवेरे खाली, पेट खाली का खाली। दिन रात दौड़ियो पर पेट को नहीं भरियो, दिन रात दौड़ियो पर पेट को नहीं भरियो, इन पेट रे कारणिये, इन पेट रे कारणिये, जाने काई काई करियो, दिन रात दौड़ियो पर पेट को नहीं भरियो। व्यक्ति 50 वर्ष का हो जाए, 60 वर्ष का हो जाए, 70 वर्ष का हो जाए, फिर उससे पूछा जाए अब तो पेट भर गया, बोले खाली का खाली है, तो फिर किसके लिए दौड़ कर रहे हैं। ज्ञानी कहते हैं ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व के अंदर स्वयं अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, और जो इस विषय में जुड़े हुए हैं, जो इस विषय में अपनी बराबर प्रवृत्ति लगाए हुए हैं, उनको सहयोग करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में महान लाभ और महान निर्जरा प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान की दृष्टि से व्यक्ति जीवन में एक भी जिन वचन सुनता है तो वो महान लाभ और महान निर्जरा करने वाला होता है। एक भी जिन वचन आत्मा की दिशा को बदल देता है। रोहिणे चोर ने परमात्मा के द्वारा केवल 4 शब्द सुने, उसकी जीवन की दिशा बदल गई, सारा काम छूट गया और अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में जोड़ दिया। एक वचन भी जिन वाणी का भावपूर्वक श्रवण करते हुए व्यक्ति महान लाभ और महान निर्जरा करने वाला होता है। एक वचन जो सदगुरु केरो, जो बैठे दिल मायरे प्राणी, नरक निगोद में ते नहीं जावे, एम कहे जिन राजरे प्राणी। एक वचन भी यदि सदगुरुओं का जीवन व्यवहार में उतर जाए तो आत्मा का बेड़ा पार हो जाता है, और ऐसा कार्य करने वाले भाग्यशाली आत्मा अपने जीवन का परम उत्कर्ष करने वाले होते हैं। एक भी जिन वचन सुने तो वह महान लाभ और महान निर्जरा करता है, और एक भी पद गाथा कंठस्थ करे तो भी महान लाभ और महान निर्जरा करने वाला होता है। धर्म का एक पद भी याद करे, सामयिक सूत्र हो, प्रतिक्रमण सूत्र हो, भक्तामर स्तोत्र हो, किसी का भी एक पद अगर हम दिन भर में याद करते हैं, और यदि उतना ही नहीं हो तो एक चरण तो याद करे। एक पूरी गाथा के 4 चरण होते हैं, उसमें से एक चरण भी यदि कोई याद करता है तो वह महान लाभ और महान निर्जरा करने वाला होता है। आपको जान करके बहुत हार्दिक प्रसन्नता होगी, इस चातुर्मास के अंदर भूले हुए ज्ञान को वापस रिपीट करके पक्का करने का कार्य कर रहे हैं हमारे किशोर भाई कावेरिया, बसंत भाई और हमारे कई साथी, जो इस चातुर्मास को पा करके अपने प्रतिक्रमण को वापस व्यवस्थित तैयार कर रहे हैं। सीखे हुए ज्ञान को बार बार दोहराने से महान लाभ और महान निर्जरा करने वाला होता है। और आपको जान करके हार्दिक खुशी होगी कि हमारे सादरी संघ के ही एक बहुत अच्छे सेवाभावी निष्ठावान गुरु भक्त जवाहरलाल जी कटारिया,
जिनको सादड़ी वाले नेहरू जी के नाम से जानते थे, उनकी दो पोतियां रोज सामायिक सीखने के लिए गुरु चरणों में आती है। एक पद भी यदि वो भावपूर्वक याद करे, मन से याद करे, तो उसके जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिलता है, जीवन में खुशी मिलती है। आज से लगभग 26 साल पहले जब हमारा सादड़ी में चातुर्मास हुआ था, उस दरमियान लगभग 20 बालक बालिकाओं ने सामायिक, प्रतिक्रमण, भक्तामर, 25 बोल आदि आदि ज्ञान ध्यान सीख करके संघ को और अपने चातुर्मास को उन्होंने सार्थक किया था। चातुर्मास की सच्ची सार्थकता यही है कि हम नए ज्ञान ध्यान सीखने वाले कितने तैयार करते हैं, अन्यथा आने वाले समय में कोई प्रतिक्रमण सुनाने वाला नहीं मिलेगा, ये परिस्थिति खड़ी हो जाएगी। इसलिए ज्ञान सीखना जीवन में बहुत जरूरी है। भाग्यशालियों, ये ज्ञान ही हमारे जीवन के अंदर आलोक उपस्थित करता है। तो एक पद, एक गाथा, एक चरण भी याद करे तो व्यक्ति महान लाभ और महान निर्जरा करने वाला होता है। एक भी पद यदि किसी को सुनावे तो भी महान लाभ और महान निर्जरा करने वाला होता है। सुनी हुई धर्म कथा बाहर जाने के बाद दूसरों को सुनाए तो भी महान लाभ और महान निर्जरा करने वाला होता है। और जो धर्म कथा सुनने के लिए आते हैं उनको उत्तम भावनाओं के साथ दिल से प्रभावना देवे तो भी महान लाभ और महान निर्जरा करने वाला होता है। अपने हाथों से अपनी वस्तु का अच्छे क्षेत्र में उपयोग करने वाला व्यक्ति महान लाभ उठाने वाला होता है। यदि संघ के अंदर इस तरह से आने वाले, धर्म कथा सुनने वाले, जिन वचन सुनने वाले लोगों को धर्म प्रभावना देते हैं तो भी महान लाभ जीवन के अंदर प्राप्त होता है। और एक भी उत्तम स्वप्न देखे तो महान लाभ और महान निर्जरा करने वाला होता है।